तेज की सभी वीडियो देखने के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका सिरसा तेज वेब चैनल में। मेरा नाम प्रमोद कुमार है और इस समय मैं मौजूद हूँ महिला महाविद्यालय में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये छात्राएं हैं और ख़ास बात ये है कि बेशक सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, लेकिन ये वो बेटियां हैं जिनका एडमिशन इस कॉलेज में नहीं हो पाया है। हम आपको बताएं कि यहां इस कॉलेज में 430 सीटें हैं बीए की और बीकॉम की 160 सीटें हैं, और जैसा कि तीसरी लिस्ट लगी थी जिसमें कुल 34 ही छात्राओं का एडमिशन हुआ, दो लिस्टें उससे पहले लग चुकी थी और सारी सीटें हैं वो भर चुकी हैं। अनेक छात्र संगठनों की ओर से लगातार सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है, वाइस चांसलर सिरसा पे दबाव बनाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि सीटें हैं वो बढ़ाई जाएं। तो हम इन छात्राओं से बात करते हैं कि इनका क्या मानना है, क्या सपना लेकर के ये कॉलेज में आई थी, इनकी इच्छा थी कि कॉलेज में पढ़ें लेकिन सीटें कम हैं और इनका एडमिशन है वो नहीं हो पा रहा है। क्या नाम आपका? निकिता जी। कहाँ से आप? कालावाली से जी। तो कालावाली में भी कॉलेज है? हमें इसी में लेना है। इसी में लेना है, इसमें क्या खास बात है? बस अच्छा लगा इसलिए। अच्छा लगा है। तो एडमिशन नहीं हो पाया आपका? नहीं। क्यों? परसेंटेज पे डिपेंड, परसेंटेज बहुत हाई जा रही है इसलिए एडमिशन नहीं हो पाया जी। आपका क्या नाम है जी? पुनीता जी। आई बिलोंग टू गुड़िया खेड़ा जी। मैं बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ, बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ और हमारा एडमिशन नहीं हो रहा क्योंकि परसेंटेज बहुत हाई जा रही है और हमारी 35% सीटों की मांग है और सर हमें लगभग 15 दिन हो गए हैं स्ट्राइक चलाते हुए, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी मांग सीटें नहीं बढ़ाई हैं। क्या मांग करते? सीटें बढ़ाई जाएं, सीटें बढ़ाने की मांग। कॉलेज में हो जाए। आपका क्या नाम है जी? आगे आ जाइए। क्या नाम आपका? आई एम सुमन शिमर, गोइंग टू शेरपुरा। मैं इसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हूँ। यहाँ पे हाई परसेंटेज जा रहे हैं इसी कारण लड़कियों का एडमिशन नहीं हो रहा है। लड़कियों का अगर एडमिशन होगा उन्हें पढ़ने का मौका मिलेगा, वो भी अपने सपनों को पूरा कर पाएगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सीटें बढ़ाई जाए और इन लड़कियों को भी पढ़ने का मौका दिया जाए। जो ये इतनी जंग करके घर से यहाँ चली आ रही है, इनको यहाँ तक आने का मौका दिया जा रहा है, फिर गवर्नमेंट क्यों पीछे हट रही है? यहाँ पे स्थान है, फिर क्यों नहीं इनको पढ़ने दिया जा रहा है? क्या मांग करती है? सीटें बढ़ाई जाए, सीटें बढ़ाई जाए और इन लड़कियों को पढ़ने का मौका मिले, यही मांग है सर। ओके। क्या नाम आपका? सरोज वर्मा जी। एडमिशन नहीं हो पाया आपका? नहीं सर। कौन से कहाँ एडमिशन लेना है आपने, बीए में या बीकॉम में? बीए में। बीए में लेना है। तो कितने परसेंटेज मार्क्स का है आपके? 63% है, नहीं हो पाया है। तो सीटें बढ़ाई जानी चाहिए? हाँ सर, बढ़ानी चाहिए जी। आपका क्या नाम है जी? नीलम जी। आप कहाँ से हैं? रिसालिया खेड़ा से। सारे ग्रामीण अंचल के बच्चे आते हैं ज़्यादातर। हाँ। तो क्या मांग करती हैं, सीटें बढ़ाई जानी चाहिए या किस तरह से? हाँ, सीटें बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ बहुत सारी हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। हम बहुत दिनों से चक्कर लगा रहे हैं पर फिर भी यहाँ पे सीटें नहीं बढ़ाई जा रही है, क्योंकि हम बहुत जगह पे जा चुके हैं जैसे डीसी के पास में, वीसी के पास में, हम वहाँ पे भी गए थे पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। सीटें बढ़ाई जानी। ये थी हमारे साथ छात्राएं और हम ये कह सकते हैं और ये उम्मीद भी करते हैं कि जल्द ही सरकार है, इन छात्राओं का कहना है कि सीटें कॉलेज की बढ़ाई जाए जानी चाहिए ताकि वो इस कॉलेज में एडमिशन ले सके और शिक्षा ग्रहण कर सके। बेशक सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों को पढ़ाने का जो काम है अभी अधूरा है, क्योंकि कॉलेज है आप देख रहे हैं कि इसी साल इसको तैयार किया गया है और लाखों रुपए खर्च करके सरकार ने कॉलेज तैयार किया है बेटियों की शिक्षा को लेकर के, लेकिन सीटें नहीं बढ़ाई जा रही हैं। छात्राओं की मांग है कि 35% सीटें हैं वो बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि अभी भी काफ़ी छात्राएँ हैं जो एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। लगातार हम बात कर रहे थे छात्र संगठनों की, क्योंकि कई छात्र संगठन हैं, उन्होंने भी कॉलेज में सीटें बढ़ाने की मांग की थी। और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो सदस्य हैं सिमरन सहारन। क्या मांग थी आपकी सीटों को लेकर? जी, हमारी मांग इसलिए है क्योंकि कॉलेज में सीट भी होने के बावजूद भी लड़कियों का एडमिशन नहीं हो रहा है। कट ऑफ लिस्ट बहुत ज़्यादा हाई जाने के कारण जो फर्स्ट डिवीज़न की रैंक हम लोग मानते हैं 70 अबव, वो लड़कियां तक हमारी रह चुकी हैं। जैसा आपको पता होगा हमारी 1100 लड़कियां
उनमें से रह चुकी हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ है। तो इसीलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि हर समय छात्राओं की समस्याओं को उजागर करता है, ठीक इसीलिए हमने आज 35% सीटों की डिमांड की है। पिछले 10-12 दिनों से हमारा ये स्ट्राइक इसके लिए आंदोलन जारी है, लेकिन हमें कोई अभी तक रिप्लाई नहीं मिल रहा है कहीं से भी। इसीलिए हम लोग निवेदन करना चाहते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द 35% सीट बढ़ाई जाएं, ताकि ये सब बच्चे जो गरीब परिवारों से हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस की ज़्यादा से ज़्यादा फीस नहीं भर सकती हैं, उनका एडमिशन हो सके। धन्यवाद, यही मैं निवेदन करना चाहूँगी। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए सिरसा तेज के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। शुक्रिया।